ऐसा कि जो दुश्मन से जंग करता है मक्तल खरीद का। नौकर कौन है? सलमान का नौकर दादा कहता वक्त
नौकरी करने के बाद इख्तियार कितने बढ़ जाते हैं, कहता है जिसने मोहलत न दी थी
सुलेमान को वो मुझे बेतरामन मिला या अली अब भी मरकजी मामारगा के मिंबर पे अहमद भाई मैं मिंबर ही से हुसैन की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं वो शिया है वो सुन्नी आए वो अहले हदीस आए वो देवबंदी आए वो चटार भी आए जिसका दिल करे वो आए हुसैन का दरबार कल भी खुला था हुसैन का दरबार आज भी खुला है हुसैन का दरबार कयामत तक खुलेगा हुसैन तो दिल करीब और उसे दुनिया को देखता है जो भी हुसैन के दरबार से बाहर खड़ा हुआ अंदर आ जाता है और फिर बाहर जाने की नीयत करे हुसैन कहता है ऐसे न जा और ऐसे नाम बन के जा उसको लगता है अलामा हुसैन बादशाह फरमाए
सादात अली की बेटी कैसे देखी गई, मर्द मरीजों के सवार हो गए। लड़ाई कर सकता है तीर उड़ाने करना है, जीना प्यार ना करना है, उसको करना ज़्यादा सा फरमाते मर्द मरीजों के सवार हो गए, मसलूलात मेहमान की पोर्सों पे सवार हो गई, जिन मर होना है उससे जिक्का कर रहे हैं, ज़्यादा सबरों के फरमाते अपना अपना मुकद्दर है, जो मरीजों की नोक पे थे वो आसानी में थे। Yeah.
Yeah.
نبیوں کے سردار نے ارشاد فرمایا میرا اور علی کا دو اگر سرکار آگن دے آگن سے نبی پاک نے چھپ لیا
दुश्मन ना करे और काफले दौर इंतजार जिंदी हिफाजत करते हुए अगर उसका ध्यान ना करिए तो कोई हमला कर रहा है जिंदे नाल लड़ते हुए भी वो ध्यान ना करिए तो वो नाम अपने आप से हमला कर रहा है तो इंतजार काम ने अली कर रहे ने कर उस मियाद पे रहे ने जैसा अली वो जे काम हो रहा है ਦਰਿਆ ਹੋਇਆ
ਤਲਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ
या दुश्मन ने भी गुंजाइश दिता है उस मरीज की जिंदगी लड़ गई शेर मनाते ने लगते चाहिए कभी बीबी तेरा केड़ा वीर मारिया गया मेरी सेना दी मेरे सारे
घर गई घर थोड़ी पै जिस बच्चिया के संघ आई तो फिर खेली नहीं रोंदी सीढ़िया पूछे गल की है रोंदी क्यों ओदा के गल ये मेरी नहीं रोन वाली गल किसी होर दी है मैं भी रोनी हाँ रो तू समी पाना मैं एक बीबी को मिल गई हाँ जिद वीर त्रा दिन दत्तर साहब के गुणा को उठा बच्चिया आ गया बाल के मोहर होते भावे किसी घर भी जमा बच्चिया का सन भी जरा बीबी विखा कि फिर सीढ़ियों नाल लैके फिर जिंदान के बोए के आ गई अंदर सैन नोआ पड़ती रही असगर फिर उस ना सिर से चादर नहीं ना वो अख सुखी जिस प्यो ड्यूटी तो वापस आया तो उसने कहना धी कली बह के फिर धीं अपनी बड़िया प्यारिया बीवी माता बच्चे क्यों पे रोंदी है उसका क्या तेरी धी है मैं पूछा ना भी पेरोनी तू तरह आप जाके पुछ कि उस टाइम का सार मेहनत करने के बाद अले की धी का राज आया जजीत का नज जिस बीबी बाद में कहना पुत्र लोग फरमाते हैं ना
ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਬਲਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਦਸਤਕ ਕਰੇ ਮਮਨੂਨ ਉਹ ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਮੁਸਨ ਖੁਬੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਤਨ ਤੇ ਬੁਲ ਜਾਓ ਬੇਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੇ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਰੁਕ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਤਰਾ ਦੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਤਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਬੜਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਲਵੋ ਉਹ ਮਾਤਾਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਯਦ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਉਮਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਮਤ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਸਾਂ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਮੰਨੀ ਅਦਾਦਾਰੋ ਸੈਨ ਪਾਕ ਵੀਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਤ ਮਨਵਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਦਾਰ ਨੂੰ ਗਾਣ ਦੇਣ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਛਬੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸੈਨ ਮਜਲਿਸ ਪੜੀ ਉੱਥੇ ਛਬੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਮ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਮਾਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਡੇਟਾ ਫਰਮਾਇਆ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਰਾ ਸਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਹਮ ਸ਼ਕਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਦਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸੈਨ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਮ ਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੈਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਭਾਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਦੋ ਬੈਂਡ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰੋਵੀਏ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਫਲਾ ਜਿਸ ਟੁਰਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਜਾਦ ਮੰਗੇ ਤਰੇ ਮਾਹ ਹਨ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਮਲਬੂਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰ ਤੇ ਚੋਖਾ ਨਾ ਇਹ ਸੈਦ ਆਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਖਤਸਰ ਪੂਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਦੀਨੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸੁਝਾਣੇ ਨਾ ਸੁਝਾਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋੜੇ ਚੁੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਡਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੀਗਰ
जाकिर होंगे आपसे इस मजलिस में शिरकत के लिए भी जाती है और दूसरे हमारे फरमाने का इंशाल्लाह ठीक 10 बजे सुबह होगी सफर मजलिस का आगाज होगा और 1 बजे दिन जरूर प्रोग्राम होगा तो मजलिस के साथ से जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास यूसुफ साहब जाकिर अहल बैत करबील अब्बास साहब और दीगर जाकिर होंगे आपसे कल सुबह की मजलिस में वक्त की पाबंदी के साथ शिरकत के लिए भी जाती है और सबसे यहाँ मिला कि तमाम मोबली मोमना मजलिस में आते हुए अपने फेस मास्क को यकीनी बनाएं जहाँ पर जब एंट्री पॉइंट बनाए जाएंगे वहाँ पर भी फेस मास्क होंगे जिनके पास नहीं होंगे उन्हें वहाँ पर फेस मास्क किया जाएगा और अपने हाथों को भी सैनिटाइज करके घर से लिए और वहाँ पर भी हमारे कारकुनान मौजूद होंगे उनके पास भी सैनिटाइज होगा तो आप फैसला क्या कल बड़े सदार में आप जरूर अपने फेस मास्क को यकीनी बनाएँ और अपने हाथों को भी सैनिटाइज करें पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद साहब बाजार के लोग पढ़े लिखे हैं बाप इंतहाई बाजार
मैं आज के मजलिस से जैसा जो जनाबे सानी जहरा शाम फतह की अगर याद बख्शो तो मैं चाहती हूँ इब्तदाई लम्हात में नदीम भाई उस मौसम का तारुफ करा रहे जिस बीवी शाम फतह की मजलिस के बाद एक जुमला मैं थोड़ी लोग जमीन दर्ज करना चाहूँगा अगर तुम दाम फरमाओ एक लम्हा भी मैं थोड़ा जाया भी नहीं पा इस मौसम का जिक्र मैं करना चाह रहा उस बीवी की शान थोड़ी नहीं उस बीवी का मुकाम कम नहीं ऐसी चली और बहादुर खतून है अदील है हुसैन अकील है बनी हाशिम करबला की शेर दिल खातून अचूका जहाँ मौजूद है अगर उसी ताब फरमाओ भाई जान जिस मखदूमा का जिक्र मैं कर रहा हूँ उसकी शान समाने तो समाइए जेरी शान अली ते अली दिया 18 पुत्र को जुल्फकार नाल फतह नहीं हुई इस बीवी अपने खुतबे नाल फतह किसी वली नहीं आ गया किसी मुस्तहिद नहीं आ गया किसी काजी का फतवा नहीं बल्कि मालिक पे आ गया आलमीन का हालक पे आ गया मोमिन वास्ते दुनिया ते दो चीज़ा जीनत हैं माल दुनिया जीनत है और बेटा जीनत है कुरान आता है मोमिन वास्ते बेटा जीनत है चाचा और माल दुनिया जीनत है आओ जरा नबी को पूछिए मोमिन की जीनत ते दो चीज़ा है बेटा और माल दुनिया उसकी केड़ी शहजीनत है जरा सिर्फ मोमन नहीं बल्कि अमीर मोमिनीन है भाई थोड़े मयार मेरा सलाम है अगर उसी मयार में बोल रहे हो तो आओ मैं दस्तक देना उस दरवाजे पे जरा दरवाजा आम दरवाजा नहीं बल्कि इलम दशहर दरवाजा जिस दरवाजे को हम भी यार हमने रिजक वसूल करते जिस दरवाजे को मलाइका कदा करी करके अपना लोहाने रिस्क वसूल करते इस मेंबर पे पे हुए काले कपड़े की इज्जत की कसम बेटा और रिस्क मोमिन की जीनत है जेड़ा खुद अमीर अल मोमिनीन है उस वास्ते जीनत जेड़ी शय बन गई है आम मस्तूर नहीं हसन और हुसैन जैसे लायक पुत्रा की मौजूदगी है जेड़ी बीबी अली जैसे बाबा की जीनत बन गई उस जायदा पा दे लेकिन याद रखा है जो खैबर हंदक पे बोलन दे आदि खैबर हंदक इच अली दा हमला आई ते ज़ुल्फ़िकार दा है मैं तो शाम वाली जंग सुनानी है ते शाम इच बिन्ते अली दा हमला ते ज़ुल्फ़िकार दा है जमीन को उसकी ने कीता मेरे साहब सारे उठाओ नवे एंगल को नवी सतह थोड़े से नवे हवाले करना चाहना मेरे पहले जुमले पे अद्धा मजमा बोले है अद्धा मजमा मुंजा पे गया है मेरा नहीं चाहना मैं नबी की हदीस पढ़ा रसूलल्लाह पे आदे ने अपनी मजलिस को जीना दे दो तेरे वीर अली दे फजाइल का अच्छा नहीं बैठना बात आ रही हो उसी गल चंगी सुनते आती हो अगर हाथ खोल लेंगे जवाब
एक सत्र में बड़े प्यार में बड़े से इन्होंने हवाले कर दे वाह जेड़ा जमाने की जीनत हो मिर्जा भाई उसको मुहम्मद आ दे सुनिया इतफाक है ना कायनात की कोई शह हलक ना आती अगर सरकार मुहम्मद ना आई जेबो जैन ये सजावट ये खूबसूरती कायनात की ये रंग ये खुशबू सब कुछ मुहम्मद का सदका जेड़ा आलमीन की जीनत हो भाई जान उसको मुहम्मद आ दे जेड़ा मजलस की जीनत हो चाचा उसको अली आ दे समझा लो बंदा मजलस से चाहे या तकलीफ ना बोले जेड़ा आलमीन की जीनत हो मिर्जा भाई उसको मुहम्मद आ दे जेड़ा मजलस की जीनत हो भाई जान उसको अली आ दे जेड़ी अली जैसे बाबा की जीनत हो उसको अली आ जाए बीबी फरमाया हुसैन का वतन केड़ा है चाचा बोली मुफ्त नस्ल
बीबी फरमाया मदीना, अच्छा मदीना है। सैयद फरमाया तू बज़ाहिर जिंदा है तो आचा दा बड़े कोई बड़ी जिंदगी गुजर गई लमा सो गया, बज़ाहिर तू जिंदा है मेरा वीर शहीद हो गया है, फैसला आप ही कर ले कौन जीत गया है कौन हार गया है। तू जिंदा रह के मदीने जा नहीं सकया, मेरा हुसैन शहीद हो के शाम आ गया। हुसैन रहेगा, कल है नजीर तू है हुसैन रहेगा।
जिथे हया हो सी मेरे साथ नहीं आते कार्यों में
आज़ाड़ी मजल